दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों को दूर करने के लिए हमेशा दादी नानी के नुस्खों में सबसे पहला नाम हल्दी दूध का आता है। शायद यही वजह है कि जब भी कोई शारीरिक समस्या होती है तो हल्दी वाले दूध का नाम लिया जाता है। बेशक हल्दी दूध का स्वाद हर किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन हल्दी दूध के फायदे इतने सारे हैं कि इसे आप अनदेखा भी नहीं कर सकते। इसलिए कई बार न चाहते हुए भी स्वास्थ्य लाभ के लिए इसका सेवन करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में आपको हल्दी दूध पीने के फायदों के बारे में बताएंगे। कुछ फायदों से तो आप परिचित होंगे, लेकिन हल्दी दूध के फायदे कई ऐसे भी हैं जिनसे आप अब तक अनजान हो सकते हैं। दोस्तों, हल्दी दूध के फायदे जानने से पहले बात करते हैं कि आखिर हल्दी डालकर दूध बनाने से यह आपके शरीर के लिए कैसे लाभदायक होता है। यह तो आपने कई बार सुना होगा कि हल्दी का दूध शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपके लिए लाभदायक कैसे है? चलिए हम बताते हैं। दरअसल हल्दी में प्राकृतिक एंटीबायोटिक गुण होते हैं और दूध कैल्शियम से भरपूर होता है। जब आप दूध और हल्दी दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो दोनों में मौजूद पोषक तत्व आपके शरीर को बीमारियों और संक्रमण से बचाने के साथ ही भरपूर ऊर्जा भी देते हैं। हल्दी में करक्यूमिंग कंपाउंड यानी पॉलीफेनॉल भी होता है, जो आपके शरीर को कई रोगों से बचाने में मदद करता है। करक्यूमिन बीमारियों की रोकथाम के लिए फायदेमंद तो होता है, लेकिन इसे अवशोषित करना शरीर के लिए मुश्किल होता है। इसलिए इसे काली मिर्च और वसा युक्त खाद्य पदार्थों जैसे दूध और घी के साथ मिलाने की सलाह दी जाती है। अब चलिए जानते हैं हल्दी दूध के फायदों के बारे में। पहला, पाचन। पेट और पाचन शक्ति ठीक से काम न करने पर इसका असर आपके शरीर पर तेजी से पड़ता है। ऐसे में हल्दी का दूध आपकी आंतों को स्वस्थ रखने और पाचन तंत्र को बेहतर करने में मदद कर सकता है। दरअसल हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी इंफ्लेमेटरी गुण की तरह काम करता है, जो आंत संबंधी बीमारियों को दूर करने में शरीर की सहायता करता है। दूसरा, जोड़ों का दर्द। हर्बल चाय और गोल्डन मिल्क कहलाने वाले हल्दी दूध में मौजूद करक्यूमिन में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो जोड़ों और गठिया के दर्द को कम कर सकते हैं। साथ ही हल्दी दूध में एंटी आर्थराइटिस गुण भी पाए जाते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तीसरा, अनिद्रा। अनिद्रा की परेशानी लोगों में काफी बढ़ती जा रही है। इस परेशानी को दूर करने के लिए आप हल्दी दूध का सेवन कर सकते हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट भी हुआ है कि करक्यूमिन अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति में याददाश्त को भी ठीक करता है। ऐसे में जब भी आपको नींद न आए तो आप हल्दी दूध पिए या हर रोज रात को सोने से पहले इसका सेवन करें। चौथा, कैंसर। कैंसर सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती है, जिससे बचाव करना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप हल्दी दूध का सेवन कर सकते हैं। हल्दी दूध में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। हल्दी वाला दूध प्रोस्टेट और पेट के कैंसर के खतरे को कम कर सकता है या उन्हें बढ़ने से रोक सकता है। यह डीएनए को नुकसान पहुंचाने वाले कैंसर कोशिकाओं के प्रभाव को कम करता है और कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों को कम करता है। पांचवा, हड्डी स्वास्थ्य। हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। दूध में कैल्शियम होता है, जो आपकी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाता है। हल्दी वाला दूध हड्डियों के नुकसान और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डी संबंधी रोग की आशंका को कम कर सकता है। छठवां, डायबिटीज। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद करता है, इसलिए इसे डायबिटीज के रोकथाम में उपयोगी माना जाता है। इसके अलावा यह डायबिटीज संबंधी लिवर विकारों को भी रोकने में अहम भूमिका निभाता है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन डायबिटीज से संबंधित आम समस्या इंफ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। एक अध्ययन के मुताबिक डायबिटीज एक के मरीजों को 3 माह तक प्रतिदिन 5 ग्राम हल्दी देने से उनका रक्त शर्करा काफी हद तक कम हुआ है। सातवां, वजन घटाने के लिए। व्यस्त दिनचर्या, बाहर का खाना, लंबे वक्त तक कुर्सी पर बैठे रहना, व्यायाम न करना, तनाव और ऐसे ही कई कारणों की वजह से लोग मोटापे की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। जैसे जैसे वजन बढ़ता है, वैसे वैसे शरीर बीमारियों से घिरता चला जाता है। ऐसे में हल्दी दूध आपकी मदद कर सकता है। हल्दी का दूध फैट को कम कर सकता है, जिससे आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। कुछ अध्ययनों के अनुसार हल्दी दूध में मौजूद करक्यूमिन
अधिक वजन वाले लोगों में वजन नियंत्रण का काम कर सकता है। आठवां, सर्दी और खांसी। बदलते मौसम और कमजोर इम्यूनिटी की वजह से सर्दी जुकाम होना आम बात है। ऐसे में कई बार घरेलू नुस्खे जादू की तरह काम करते हैं और हल्दी दूध भी उन्हीं में से एक है। हल्दी युक्त दूध अपने एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए उपयोगी माना जाता है। यह गले की खराश, खांसी और जुकाम से तुरंत राहत देता है। अगर आप हर रोज हल्दी दूध का सेवन करेंगे तो जल्दी ही ठंड से शरीर को बचा सकते हैं। नौवां, हृदय स्वास्थ्य। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन हमारे शरीर में साइटोकिन्स यानी एक तरह के प्रोटीन को हमारे शरीर में निकलने से रोकता है, जिनकी वजह से हृदय संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। वहीं अदरक के इस्तेमाल से भी हृदय संबंधी बीमारी बढ़ाने वाले जोखिम कारकों को कम किया जा सकता है। अदरक में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दसवां, इन्फ्लेमेशन। हल्दी दूध में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर को इंफ्लेमेशन से लड़ने में मदद देते हैं। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन कंपाउंड इंफ्लेमेशन की वजह से होने वाले गठिया और अन्य बीमारी जैसे चर्म रोग से बचाव करते हैं। इसे आयुर्वेदिक चिकित्सा में प्राकृतिक एस्पिरिन के रूप में भी जाना जाता है, जो सूजन और दर्द को ठीक कर सकता है। ग्यारहवां, मस्तिष्क स्वास्थ्य। हल्दी वाले दूध में मौजूद करक्यूमिन आपके मस्तिष्क स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। यह दिमाग से संबंधित अवसाद और अल्जाइमर के खतरे को कम करने में सहायक साबित हो सकता है। यह पार्किंसंस रोग यानी दिमागी विकार को दूर करने में भी मदद कर सकता है। बारहवां, इम्यूनिटी। हल्दी दूध में मौजूद करक्यूमिन बतौर इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एजेंट काम करता है। यह टी कोशिकाओं व बी कोशिकाओं समेत शरीर में मौजूद सभी स्वस्थ कोशिकाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। इन सभी कोशिकाओं की मदद से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होने में मदद मिलती है। करक्यूमिन शरीर में एंटीबॉडी प्रतिक्रिया को भी बढ़ावा देता है, जिसकी मदद से हमारा शरीर कई बीमारियों जैसे गठिया, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और अल्जाइमर से बचा रहता है। इसके अलावा हल्दी वाले दूध के फायदे में आपको ठंड और गले की खराश से भी बचाना शामिल है। तेरहवां, डिटॉक्स। ज्यादातर लोगों को तला भुना, मसालेदार या फिर जंक फूड खाना बहुत पसंद है, जिसका सीधा असर लीवर पर पड़ता है। इसलिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई यानी शरीर में मौजूद विषाक्तता को हटाना जरूरी हो जाता है। ऐसे में हल्दी दूध एक प्राकृतिक लीवर डिटॉक्सिफाई की तरह काम करता है, जिससे लीवर की कार्य प्रणाली तेज होती है। चौदहवां, त्वचा स्वास्थ्य। धूल मिट्टी व प्रदूषण की वजह से त्वचा की चमक लगातार फीकी पड़ने लगती है, साथ ही स्किन संक्रमण का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में हल्दी दूध आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दमकती त्वचा के लिए आप हल्दी दूध का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप हल्दी दूध में रुई भिगोकर चेहरे पर लगा सकते हैं, जिससे आपका चेहरा दमकता रहेगा। इसके अलावा इसमें मौजूद करक्यूमिन आपको स्किन कैंसर और अन्य संक्रमण से बचाता है, साथ ही त्वचा पर बुरा प्रभाव डालने वाले बैक्टीरिया से भी लड़ने में मदद करता है। दोस्तों, हल्दी वाला दूध पीने के फायदे तो आप जान ही चुके होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे आसानी से घर में ही हल्दी दूध बनाया जा सकता है। वहीं अगर आपको इसका स्वाद कुछ खास पसंद नहीं आता तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। इसके लिए आपको एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक गिलास दूध, चुटकी भर दालचीनी पाउडर, चुटकी भर अदरक पाउडर, एक चुटकी पीसी हुई काली मिर्च और स्वादानुसार शहद। बनाने का तरीका, सबसे पहले हल्दी पाउडर और अन्य पदार्थ मिलाकर दूध को करीब 5 मिनट तक उबालें। अब इस हल्दी दूध को छानकर एक गिलास में डाल लें। अधिक लाभ के लिए हल्दी दूध को गर्मा गर्म पिएं। स्वाद के लिए आप गुनगुने दूध में शहद भी मिला सकते हैं। हल्दी वाले दूध के फायदे और हल्दी दूध बनाने का तरीका जानने के बाद अब जानते हैं कि कैसे हल्दी दूध को उपयोग में लाया जा सकता है। हल्दी दूध का उपयोग सीधे सीधे करना ही फायदेमंद होता है। वैसे आप इसे सुबह नाश्ते के समय भी ले सकते हैं और रात को सोने से पहले भी इसका सेवन किया जा सकता है। हालांकि हल्दी दूध पीने का सबसे सही समय रात में सोने से पहले ही माना जाता है। कितना पिएं,
आप रोजाना 6 ग्राम हल्दी का सेवन कर सकते हैं। 4 से 7 हफ्ते तक इस मात्रा में हल्दी का सेवन करना सुरक्षित माना गया है। इस मात्रा में हल्दी का सेवन करने से आपके शरीर को हल्दी की वजह से किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है। जी हाँ, हल्दी दूध का भी नुकसान शरीर को हो सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे दिन भर में कितनी हल्दी का सेवन करना चाहिए, इसके लिए एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वहीं प्रतिदिन डेयरी उत्पादों की 3 सर्विंग्स ली जाने की सलाह दी जाती है। उदाहरण के तौर पर 1 गिलास दूध, 1 टुकड़ा पनीर और 1 कटोरी दही। इसके सेवन से आपको पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाएंगे। वहीं एक दिन में महज दूध की सीमित मात्रा की बात करें तो यह 500 ml है। दोस्तों, आपके लिए हल्दी दूध के नुकसान के बारे में जानना भी जरूरी है। जी हाँ, हल्दी वाला दूध पीने के फायदे के साथ इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हल्दी और दूध का एक साथ सेवन करने से आपको एलर्जी भी हो सकती है। कई बार लोग हल्दी दूध का अधिक सेवन करने लगते हैं, जिसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसके अधिक सेवन से सीने में जलन, अपच और दस्त हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान आप हल्दी दूध का सेवन डॉक्टर से परामर्श लेने पर ही करें। माना जाता है कि गर्भवतियों के हल्दी के सेवन से गर्भाशय में संकुचन हो सकता है। फिलहाल इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। हल्दी के सेवन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्या हो सकती है, यानी पेट में गैस बनना, पेट फूलना और पेट से संबंधित अन्य परेशानी। कुछ दवाओं के साथ हल्दी का सेवन करने से दुष्परिणाम हो सकते हैं। अगर आप एंटीगोकुलेंट्स जैसी एस्प्रिन दवा का सेवन कर रहे हैं तो इसे न लें। नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी दवा को भी हल्दी के साथ नहीं लेना चाहिए। इसलिए जब भी आप हल्दी दूध का सेवन करें तो पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। हल्दी वाला दूध पीने के फायदे अनेक हैं, यह तो आप जान ही चुके होंगे। बस अब जरूरत है तो संयमित मात्रा में दादी नानी के इस अचूक नुस्खे का सेवन करने की। आपको हल्दी दूध से संबंधित यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपके जहन में हल्दी दूध से संबंधित कोई सवाल है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपके दादी नानी के कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिनसे लोग अनजान हैं, तो उन्हें भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं, ताकि अन्य लोगों को भी उसका लाभ मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।